अर्पिता, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये समझा देते हैं कि अगले 6 दिन तक कब कौन सा विधान पूरा होगा, जिसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। आज प्रथम यजमान के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी उषा मिश्रा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान पर बैठेंगे और 50 वैदिक प्रक्रियाओं के साक्षी बनेंगे। पूजा विधि के लिए यजमान सरयू जल के साथ 10 प्रकार के स्नान लेंगे, जिसमें गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, भस्म, कुशोदक, कुश मिला हुआ जल, पंचांग से स्नान करेंगे। आज ही रामलला की प्रतिमा का कर्मकुटी संस्कार होगा। मूर्तिकार अरुण योगीराज भगवान की प्रतिमा समर्पित करने से पहले अंतिम रूप दिखाकर आग्रह करेंगे कि कोई कमी हो तो बताएं, जिसको दूर किया जा सके। भगवान को सरयू से स्नान कराने के बाद आचार्यगण नेत्रों पर पट्टी बांधेंगे, जिसको 22 जनवरी को खोला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में 3 लोगों की बेहद अहम भूमिका रहने वाली है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला की यह प्रतिमा बनाई है। काशी के गणेश्वर शास्त्र दविड़ ने पूजा का मुहूर्त निकाला है। काशी के ही लक्ष्मीकांत द्विवेदी अनुष्ठान को पूर्ण कराएंगे। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशीष, आज से ही अनुष्ठान की एक तरीके से कही शुरुआत हो रही है, क्या क्या रहेगा और आगे कैसी प्रक्रिया रहेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज से अनुष्ठान की शुरुआत हुई है और पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को इस बात का इंतजार था। आप देखिए, आज ये ज्योति जो है जलाई गई है, ये 100 फीट से ऊपर की जो गुजरात से आई हुई धूप बत्ती है उसको आज प्रज्वलित कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और साफ तौर से ये तकरीबन 20 दिनों तक चलेगी और ये 108 फुट लंबी ज्योति है जिसको जला दिया गया, यानी क्योंकि आज से ही अनुष्ठान शुरू हो रहा है तो उसी का क्रम में इसको शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये है, हमारे साथ मौजूद है। क्या बताइए, कितनी लंबी ये 108 फुट कब तक जलेगी? 21 दिन। आज आपने क्यों जलाई है? आज से जलाई है वो गुरु जी आके। किस दिन तक जलेगी? देखिए, जय श्री राम के नारे से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम के नारे भी शुरू हो गए हैं और साफ तौर से ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब देखिए, ये करीब तकरीबन जो मैं घी दिखाने जा रहा हूँ देशी गाय का, ये जो है इससे इस धूपबत्ती को शुरुआत की गई है और ये जो तकरीबन है क्विंटल में ये घी आया हुआ है और इस घी, ये बताइए घी का जो है ये कितना कैपेसिटी है? मैं कर रहा था ना। एक बार आशीष धूपबत्ती को दिखाइए क्योंकि ये काफी खास है, बहुत दूर से आई है और विशेषता ये है कि अगले 20 दिन तक ये जलती रहेगी। इसकी तस्वीरें दिखाइए और क्या इसके बारे में प्रमुख बातें? जी, गुजरात से ये धूपबत्ती आई हुई है, यहाँ पर लोग लेके आए हैं। इसके बारे में बताइए, क्या खास है इस धूपबत्ती का? राम मंदिर के लिए। क्या खास है, किससे बनी हुई है ये? सब हवन पड़ी, गूगल से बनी है, हवन पड़ी घी है, सब गूगल है, सब गाय का घी है। दूर तक ये महकेगी, सुगंध कहाँ तक जाएगी? उसको 25 किलोमीटर। देखिए, आप 25 किलोमीटर तक इसकी सुगंध जाएगी जो इन्होंने बताया है। और साफ तौर से ये जो धूपबत्ती है आप देख सकते हैं हवन की जो सामग्री होती है उससे मिलकर बनाई गई है, उसको आज प्रज्वलित कर दिया गया है और लोग इसकी जो सुगंध है, क्योंकि पूरे अयोध्या में इसको खुशबू जा रही है और ये हमारे साथ मौजूद है। बताइए, घी आपने कितना लेकर आए हैं? हम यहाँ लगभग 300 किलो जितना घी लेकर आए। 300 किलो घी? हाँ, लेके आए। इसके लिए प्रयोग होगा? हाँ, इसमें प्रयोग होगा। अभी हम इसके अंदर 191 किलो तो डाल रखा है। और बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं तो अयोध्या में देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, सियासत भी इस पर जबरदस्त हो रही है।